गांधी के देश में गांधी ने रास्ता बताया है, अब हम शांति पूर्वक सत्याग्रह नहीं कर सकते। उनके पास कोई हथियार नहीं, लाठी भी नहीं, उन्होंने कोई कहीं पब्लिक प्लेस पर ये नहीं किया कि सड़क जाम कर दिया, तहसील के चौराहे पर उन्होंने भीड़ लगा के आवागमन अवरुद्ध कर दिया। 151 में होता है कि ये सार्वजनिक स्थलों पर दंगा फसाद करने पर आमादा हैं और इनकी वजह से शांति भंग होने जा रही, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही। क्या लगता है वो शांति भंग? अब आपको, आप खुद भी मिलिए और देखिए, कतई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दूसरे जनपदों के लोग हैं, वो तो शांति का संदेश लेकर के गुजर रहे थे। डर ऐसे लोगों में पैदा की जा रही है, अपराधियों में कहां से डर पैदा होगा? अपराधियों में कैसी डर? बताया जा रहा है कि सीए के जो कानून बना है, अमेंडमेंट हुआ, उसके खिलाफ ये लोग मुहिम चला रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर उसके खिलाफ ये मुहिम थी तो भी कोई उनका प्रदर्शन हो। अगर आपके दिल में सीए का विरोध करना है, हमारे दिल में सीए का विरोध है, तो आप हमको सूली पे चढ़ा देंगे? उन्होंने अपराध क्या किया था? सवाल यह है, जेल तब भेजा जाएगा जब कोई अपराध किया। कहां पर वो शांति व्यवस्था के लिए चुनौती बने? किन लोगों के साथ उन्होंने मारपीट झगड़ा फसाद किया? कुछ भी। हमारा मन, हमारी इंटेलिजेंस ने हमको बता दिया, हम और तो कुछ नहीं कर सके। हम डबल मर्डर के हत्यारों को तो 3 दिन में नहीं पकड़ सके, लेकिन शांति मार्ग पे निकल के जाने वालों के पास न गोली है, न बारूद है, न डंडा है, न बम है, न धमाका है, न झगड़ा है, न रास्ता रोक के बैठे हैं। डर बना रहे, और ये कौन कर रहा? जो सबसे ज्यादा डर रहा, इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अब विरोध, निंदा कर रहा हूं, इसका विरोध कैसे किया जा सकता है? वो तो विरोध कल हुआ होगा, मैं तो दिल्ली में था, वो तो जेल भेज दिए गए। अब तो जेल से निकलना है उनको, जमानत होके निकलेंगे वो। शांति भंग का मतलब समझ रहे हैं? उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है ये कि उन्होंने कोई अपराध घटित कर दिया। प्रशासनिक मशीनरी को आशंका है कि ये शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन जाएंगे लोग। एक सीमा है, हटते हटते एक सीमा ये खत्म हो जाएगी, किसी दिन होगी और आर पार और फैसले की लड़ाई हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि सारे लोगों को गोली मार दी जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि पूरा हिंदुस्तान जेल बना दिया जाएगा। ये कई दिन में जेल, 2 मिनट में जेल भर जाएगी, लेने की जगह नहीं रहेगी, 2 मिनट नहीं लगेगा। एक लिमिट है, चल रहा है, अभी जब तक चलता रहे चलता रहे चलता रहे, लेकिन जनता में जो बेचैनी देखी जा रही है उससे लगता है कि जनता सड़क पर